देवबंद से है, जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही। देवबंद से खबर जहां पर सामने आई विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, जहां पर सड़क पर झूलते एसटी लाइन के तार, वही तार के नीचे आकर डंपर पर धू धू कर जला। डंपर के चालक ने कूदकर बचाई जान, जहां पर बड़ा हादसा होते होते बचा। तो ये बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। रामपुर मनिहारन मार्ग की ये घटना सामने आई, जहां पर ये विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते सड़क पर झूलते एसटी लाइन के तार की चपेट में एक डंपर आ गया, जहां पर इस तार की चपेट में आने से डंपर धू धू कर जलने लगा। पर आपको बता दें कि डंपर में जो ड्राइवर था उसने कूद कर अपनी जान बचाई, वरना किसी प्रकार का बड़ा हादसा हो सकता था। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ संवाददाता प्रशांत त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ये जो मामला सामने आ रहा है जहां पर एसटी लाइन की चपेट में आने से एक डंपर धू धू कर चलने लगा, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, सहारनपुर में जिस प्रकार से ऊर्जा निगम की लापरवाही से एक के बाद एक बड़े हादसे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक जो ऊर्जा निगम के अधिकारी हैं उनकी जो संवेदनहीनता की एक परिकाष्ठा है। जिस प्रकार से कल ये घटना हुई, एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, हालांकि जो ग्रामीण और जो फायर ब्रिगेड की सूझबूझ से घटना पर काबू पा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऊर्जा निगम की लापरवाही सहारनपुर में कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दिला सकती है। जी जी प्रशांत, अगर इस तरह के मामलों की बात की जाए तो ये जो एसटी जो ये हाई टेंशन लाइन है, इनकी चपेट में, इसको लेकर कई बार प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हटाने की बात की जाती है, पर अभी तक किसी भी प्रकार का सुधार इस चीज में देखने को नहीं मिल रहा। जी मैं बता दूं, लखनऊ में बैठकर जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो बड़े बड़े दावे तो पेश करते हैं, लेकिन वो ग्रामीण स्तर तक जो वो दावे आते आते कहीं ना कहीं फेल होने लगते हैं। जिस प्रकार से मैं बता दूं, रोज की एक कोई ही दिन जाता है जिस दिन यहाँ पर कोई घटना ना होती हो। अभी सहारनपुर में ही 3 लोग करंट की चपेट में आकर मरे थे, उसके बाद देवबंद में इस प्रकार की 2 घटना हुई थी, और अब ये घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार सरकार दावे करती है ऊर्जा निगम की सेवाओं के या लापरवाही के, तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर ये लापरवाही की जा रही है। जी जी, तो इस तरह जी ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। तो आपको बता दें कि ये कब फिर लापरवाही सामने आई विद्युत विभाग की, जहाँ पर सड़क पर झूलते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक डंपर धू धू कर जलने लगा। पर आपको बता दें कि डंपर में जो ड्राइवर था उसके द्वारा अपनी जान बचाई गई।